हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज का सेशन बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है थियरी वाला, उसकी हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दूँ, ये जितनी भी यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह यही सिलेबस फॉलो होने वाला है सेमेस्टर वाइज वाला। तो पहली यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। DDU जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, VBSPU जौनपुर और कानपुर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इलाहाबाद की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उत्तर प्रदेश की, हर जगह ये वैलिड होगा। और सारी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा साथ साथ आपको। सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी कोई भी फीस नहीं पड़ेगी यहाँ। आप कोर्स फ्री सभी क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर सब दिए जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में कराई जाएगी केमिस्ट्री की, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। सिलेबस मैंने डाल दिया था, शायद आप लोग देखे हों, नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना। पहली यूनिट जो हमारी है BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, पहला सेमेस्टर जो है केमिस्ट्री, इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ। रसायन विज्ञान, इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट पहली, इसमें हमको पहली यूनिट में एसेंट केमिस्ट्री और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट, जो भारतीय रसायनज्ञ हैं उनका क्या योगदान रहा है केमिस्ट्री क्षेत्र में, वो चीज़ों को, प्राचीन रसायन शास्त्र जो है उसको पढ़ना है। बस बेसिक नॉलेज थोड़ा सा रखना है जो पुराने, जिस तरह से वैदिक चलती थी हमारी। बाकी मेन जो पार्ट है पहली यूनिट का वो है वीक मोलिकुलर प्रॉपर्टी एंड वीक केमिकल प्रोसेस, मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, वीक केमिकल फोर्सेस मतलब आणविक ध्रुवता एंड दुर्बल रासायनिक बल, हिंदी में इसको बोलेंगे हम आणविक ध्रुवता तथा दुर्बल या क्षीण बोल सकते हैं, दुर्बल या क्षीण रासायनिक बल, ये है हमारी पहली यूनिट। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है ये सिलेबस में आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में उसमें बताया है। 28 मिनट का लेक्चर सिलेबस का पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से चैनल को सर्च करोगे आप, मिल जाएगा आपको लेक्चर। तो बेसिक आइडिया है फिर से मैं दे रहा हूँ आपको कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है। इस यूनिट में हमको पढ़ना है रिजोनेंस, रिजोनेंस मतलब अनुनाद, अनुनाद, और पढ़ना है रिजोनेंस एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी मतलब अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद ऊर्जा पढ़ना है। और इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बंधन। इसके अलावा और मैं बता दूँ, इसमें वांडरवाल्स फोर्सेस पढ़ना है, फजांस रूल पढ़ना है, फजांस रूल। अब देखो फजांस रूल को हिंदी और इंग्लिश में फजान ही लिखेंगे, फजान नियम, वांडरवाल्स फोर्सेस हो गए, वांडरवाल बल हिंदी में लिख दिए। इसके अलावा इसमें पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवता क्या होती है, पोलराइजिंग पावर, ठीक, भ्रमण शक्ति,
ये सारी चीज़ें पढ़ना है इसमें। तो मतलब आप ये 11th में जनरली इसको पढ़ चुके हो, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में इसको हमें पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस से, अनुनाद से विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझाएंगे रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा मैं अपने मार्कर को इंक पिला देता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लग रहा है मेरा खो चुका है। हेडिंग लगाएंगे आप लोग रेजोनेंस, हिंदी में लिखेंगे अनुनाद। क्या है अनुनाद का जो उद्भव है, ओरिजिन, अनुनाद की ओरिजिन वीबीटी थ्योरी से हुई है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत। आप लोग 11th में पढ़े होंगे वीबीटी थ्योरी, नहीं पढ़े हो तो इसमें पढ़ना पड़ेगा आगे यूनिट में। तो इसका उद्गम कहां से हुआ है और क्यों हुआ है पहले इसको समझते हैं। अनुनाद का उद्गम संयोजकता आबंध सिद्धांत, मतलब वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हुआ है। क्यों हुआ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है H2, ये दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, H2 सर्वप्रथम पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, पॉलिंग स्केल आप लोग पढ़े हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए होता है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन में सहसंयोजक और आयनिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। तो बोल तो दिया उन्होंने लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पा रहा था, तो इसको प्रूफ करने के लिए अनुनाद की खोज की गई और उस अनुनाद के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अणु है, इसमें संयोजक, सहसंयोजक और आयनिक दोनों प्रकार के बल पाए जाते हैं। ठीक, तो अनुनाद से ही इसकी खोज होती है। तो लिखेंगे आगे पॉलिंग ने बताया कि हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक तथा आयनिक, इंग्लिश में लिखेंगे कोवैलेंट एंड आयनिक दोनों गुण होते हैं
अनुनाद के आधार पर या अनुनाद के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या जा सकता है या सिद्ध किया जा सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको अनुनाद की जरूरत पड़ती है। अब अनुनाद एक ऐसे फिनोमिना है, अनुनाद एक ऐसी परिघटना है जिसके थ्रू हम एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये क्यों बनाना हम स्टार्ट किए अभी आगे आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, आप लोग जानते ही हो बेंजीन को उदाहरण। जैसे कि ये है बेंजीन, बेंजीन हम किस तरह से भी बनाते हैं अभी आपको इस लेक्चर के बाद में ये भी पता चल जाएगा कि हम बीच में गोला क्यों बनाते हैं। और जनरली ज़्यादातर आप देखे होंगे कि बेंजीन आपको इस तरह से बनी हुई मिलती हो। थोड़ा एक सेकंड में कैमरे में अपना देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को या नहीं? तो दिख तो रहा है, ये है बेंजीन। अब इस बेंजीन को इसका हम दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये दूसरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन कहाँ पे है ये आप लोगों को देखना है। तो आप लोग देख लिया, अब हम बता रहे हैं। इसमें देखो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है दोनों में डिफरेंट है। अगर हम नेबिंग कर दें इस कार्बन को एक दो, आपको पता ही है कि कॉर्नर जो है बेंजीन के उसमें सिक्स कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। आपको बता दूं जो पोजीशन एटम की होती है वो अनुनादी संरचनाओं में चेंज नहीं होती, एटम्स अपनी ही पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रहेंगे जो इसमें थे वही यहाँ भी रहेंगे। तो यहाँ देखो एक और दो के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ एक और दो के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से नेमिंग करके आप जल्दी से इजीली देख सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ दो और तीन, दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ दूसरे तीसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ओवरऑल बात ये है इन दोनों स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, इसलिए ये आपस में दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं। ये जो है बेंजीन की केपुलीय संरचनाओं की अनुनादी संरचनाएं हैं, क्योंकि ये बेंजीन की केपुलीय संरचना बोलते हैं इसको ना, तो ये अनुनादी संरचनाएं होंगी। इसको हम इक्वल टू करके लिखते हैं इस तरह से, ये बराबर का चिन्ह बताता है कि इन दोनों संरचनाओं के बराबर ये अकेली संरचना है। इन दोनों को कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। इंग्लिश में बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये है रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड, या हिंदी में बोलेंगे अनुनाद संकर। अभी इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी, अनुनाद संकर। तो ये दोनों बेंजीन की अनुनादी संरचना है, ये है अनुनाद संकर। अब असल में हम कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसी के बेस पे मान लेते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर रियल यही है, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर उसकी सभी गुणों को व्याख्या नहीं कर सकता है। क्योंकि बेंजीन की बात करें अगर एक ही स्ट्रक्चर इसको लेके हम काम चलाएं तो जितने बेंजीन की प्रॉपर्टी डिफाइन है आज तक वो सभी गुण इसमें नहीं मिलेंगे, ना ही इस एक स्ट्रक्चर में मिलेंगे। लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेंजीन के सभी गुणों को, जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक डिफाइन है, उस सब को प्रूफ कर सकता है अकेला। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब अनुनाद संकर, इसमें सभी गुण है। क्यों? अब बेंजीन की मुख्य बात क्या होती है, इसमें जब रिएक्शन होती है कोई भी तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इन्हीं के बेस पे होती है। ये पाई इलेक्ट्रॉन
किसी को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ से बॉन्डिंग हो जाती है। तो अगर देखा जाए इन दोनों संरचनाओं में तो यहाँ पे कहाँ कहाँ हो सकती है बॉन्डिंग, ये पोजीशन में हटा दे रहा हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, मान लो ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाए तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बेंजीन के थ्रू यहाँ टेक हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसी तरह से यहाँ पे ये शिफ्ट कर जाए और ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाए या उल्टा शिफ्ट कर सकता है। उसी तरह से यहाँ भी अगर ये यहाँ शिफ्ट कर जाए तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाए तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। देखो इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है और इस पोजिशन पे यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये कुछ और व्यक्त कर रहा है कुछ और व्यक्त कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो हर जगह अटैक हो सकता है, होल बेंजीन पर पूरे अटैक हो सकता है। ये बेंजीन खुद पूरा किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे ये खुद अटैक कर सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है। तो इसके बीच में हम ऐसे माइनस भी बना देते हैं कि जिस तरह से कई बार आप देखे होंगे बनाया, तो ये पूरे में ये क्यों बनाया गया है डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब है ये डबल बॉन्ड दिखाया गया है पूरे रिंग में, क्योंकि आप देख रहे हो एक बार एक दो तीन अलग अलग पोजीशन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इस वाले में दूसरे अलग अलग तीन जगह पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ओवरऑल अगर दोनों स्ट्रक्चरों को मिक्स किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन में जितने भी जगह हैं पोजीशन हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इसको हम दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट करें फिर मैं आगे बताता हूँ इसकी जो रियल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आई होप इसको आप नोट कर लिए होंगे, तीन ही स्ट्रक्चर हैं ज़्यादा टाइम नहीं होता, कुछ लोग गाने भी होंगे, कुछ सिंगर हैं इसमें, कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं, उनका तो छुटना ही है। तो बेंजीन के अगर हम रियल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, मान लो ये हमारे पास था एक बेंजीन, ठीक है, अब इसमें हम एक एक बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे। इस बॉन्ड को पहले हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का, अगले स्ट्रक्चर में बनाते हैं इस तरह से शिफ्ट किए। और याद रखना है आपको दो अनुनादित संरचनाओं के मध्य दो हेड वाला तीर बनेगा, ठीक, यही एरो बनाना है आपको, इसके अलावा कोई भी बनाओगे वो गलत हो जाएगा। तो हम दूसरा बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक, इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ तो आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। अब इस प्लस और माइनस के बीच में फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, यहाँ तो प्लस ही था, अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे माइनस चार्ज था, अब क्या होगा फिर से ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस आएगा, अब प्लस माइनस फिर से डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो अगले स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ प्लस माइनस से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ माइनस आ गया। और अगले स्टेप में क्या होगा, थोड़ा स्टेप छोटा बनाते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस से फिर से क्या होगा, फिर से बॉन्डिंग हो जाएगी, एक यहाँ पे था डबल बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ और एक ये वाला बन जाएगा यहाँ। अब देखो ये जो पहला स्ट्रक्चर था और लास्ट वाला स्ट्रक्चर, इसमें देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, देखो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा, वही आ गए। तो इस तरह से हम एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो इन सब में देखा जाएगा ओवरऑल तो डबल बॉन्ड हर पोजीशन पे आ रहा है
हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। पहले देखो एक नंबर पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया दो नंबर पे कहाँ आया, यहाँ दो नंबर पे आ गया, यहाँ देखो तीन नंबर है ना, तीन नंबर पे आ गया, फिर चौथे नंबर पे यहाँ आ गया, फिर पांचवें नंबर पे यहाँ आ गया, और फिर छठे नंबर पे यहाँ आ गया। ठीक, तो हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है, ये भी बेंजीन ही है और ये एक्चुअल एकदम एग्जैक्ट करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये सभी गुणों को व्यक्त करता है, इसीलिए जनरली हम ऐसी बेंजीन बनाते हैं। इस गोले का मतलब होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पूरे रिंग में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इनका जो है इसमें पूरे में बराबर विभाजन है, तो इस तरह से हम रिंग बना देते हैं, ये है बेंजीन। इसके अलावा अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं भी आया हो तो एक और एग्जांपल हम नाइट्रेट आयन का लेकर दे सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर नाइट्रेट आयन का हम एग्जांपल लिखते हैं। आई होप आपने स्ट्रक्चर बना लिए होंगे। अब आगे उदाहरण में हेडिंग लगाएंगे नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है भाई, बताओ या ना बताओ मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो हम बनाते हैं नाइट्रेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उदाहरण नंबर 02, इसमें हम बनाएंगे नाइट्रेट आयन की अनुनादी संरचनाएं, हिंदी में लिख दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, लिख देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी है नजर वजर मत लगाना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक है, नाइट्रेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचना। अब नाइट्रेट आयन क्या होता है, बड़ा सा ये लिखा हुआ NO3-, ये है नाइट्रेट आयन। अब इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि एक N है डबल बॉन्ड O, और ये हो गया डबल बॉन्ड O, एक हो गया सिंगल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन आप ओवरटेक रूल अपना इसमें फॉलो कर लेना, रही बात हमारी तो हम ऑलरेडी फॉलो किए हुए हैं। ये एक इसका स्ट्रक्चर है नाइट्रेट आयन का, आप देख सकते हैं इसमें, चेक कर लेना फॉलो हो रहा है या नहीं। नाइट्रोजन का ओवरटेक के ऊपर निकल गया होगा तो ये ओड इलेक्ट्रॉन वाले में आएगा, बाकी देखो इसमें 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 और 6 × 2 = 8 ऑक्सीजन का कंप्लीट है, इसके 8 से ऊपर निकल गए तो माला माल कम ना होनी चाहिए, ज़्यादा किसी के पास नहीं हो, सबको परेशानी नहीं होती ना। तो इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, ये हमारा नाइट्रेट आयन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, देखो एक बार ये सिंगल बॉन्ड बनाए, इसके पास डबल, अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो यही चेंज होता जाएगा जैसे बेंजीन में हो रहा है। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O और 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से डबल बॉन्ड O 4 इलेक्ट्रॉन। अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, जो बचा हुआ एक ये बॉन्ड बचा है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये सिर्फ इस तरह से डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड O जोड़ के 6 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। अब देखो तीनों अनुनादी संरचनाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में ये वाला जो O है ऑक्सीजन वो सिंगल बॉन्ड से, इसमें ये वाला सिंगल बॉन्ड से, इसमें ये वाला सिंगल बॉन्ड से, तो अनुनादी संरचनाएं जो है यूनिटिंग स्ट्रक्चर है तीनों अलग अलग हैं।
अब ये तीनों जो हैं अलग अलग गुण भी प्रदर्शित करते हैं। असल में रिजनरेटिंग स्ट्रक्चर का क्या महत्व है इस नाइट्रेट आयन में अगर बताया जाए तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये तीनों अनुनादी संरचनाएं हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रिजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा, ये है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इसमें कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस हाइब्रिड में हम पूरे में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहीं ना कहीं ये तीन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं लेकिन है तो एक ही चीज के नाइट्रेट आयन के। नाइट्रेट आयन में ही कहीं ना कहीं हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, हर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, समझ रहे। तो इसलिए हम इसको बनाते हैं ऐसा। और इन तीनों संरचनाओं के बाद जब ये बनाते हैं तो यहाँ पे इस तरह का चिन्ह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो इन तीनों संरचनाओं के इक्वल होता है। और आपको बात बता दूँ ये इसलिए हम तीनों जगह बनाते हैं क्योंकि अगर कोई एक स्ट्रक्चर आप इन तीनों में से ड्रा करते हैं जनरली, तो नाइट्रेट आयन की बात की जाती है तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो, इसमें एक सिंगल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड। अगर बात करें हम NO सिंगल बॉन्ड की और N डबल बॉन्ड O की, तो इन दोनों का जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड एंथ लिख दिया था मैंने, सॉरी, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता है, अलग अलग, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया है कि नाइट्रेट आयन में ही नाइट्रेट आयन में सभी NO बॉन्ड, हिंदी में लिखेंगे बंद, तीनों बोल सकते हैं या सभी NO बॉन्ड समान लंबाई के होते हैं, अब समझ में आ गया होगा कि अगर आखिर चल सकती है, ठीक है। तो ये होने चाहिए अलग अलग, क्योंकि अगर एक कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें एक तो सिंगल बॉन्ड आएगा ही, तो तीनों के बॉन्डों की ऊर्जाएं अलग अलग होनी चाहिए। इन दोनों के भले ही सेम हो लेकिन इसकी तो अलग ही होनी चाहिए, तो अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया है कि ये नाइट्रेट आयन का जो मॉलिक्यूल है इसमें NO बॉन्ड तीनों समान ऊर्जा वाले होते हैं, इनकी समान लंबाई भी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रेट आयन को बनाना है इस तरह से बना दो, लेकिन ये एग्जिस्ट इसी फॉर्म में करता है क्योंकि वरना एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ ही नहीं हो पाएगा कि इसमें सभी समान बॉन्ड है, क्योंकि एक तो देखो इस तरह दिख रहा। तो रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमिना जो दिखती नहीं है बाहर से लेकिन होती हर जगह है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके जो कुछ मेन फीचर हैं कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, ठीक, और इसका क्या महत्व है, महत्व आपको पता ही है। जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थायित्व देता है, तो आप इसको नोट करें फिर आपको हम आगे की चीज़ें बताते हैं। अनुनाद के लिए जो शर्तें होती हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं उसको बताते हैं। आपके याद रखने के लिए मैं बता सकता हूँ, ये जो होती है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.15 एंगस्ट्रॉम, और NO सिंगल बॉन्ड जो है इसकी होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और हालांकि ऐसा एक्सपेरिमेंटली इस आयन में प्रूफ नहीं हुआ है कि ये अलग अलग बॉन्ड लेंथ है,
समान ही मिली है, तो इसको आप लोग नोट करें। फिर आगे हम चर्चा करते हैं जो इसकी आवश्यक शर्तें हैं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे या स्क्रीन शॉट ले लिया करो, बस एक बार नोट हो जाए बाकी तो सब काम चलता रहेगा। आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नेम है बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जो यूट्यूब चैनल का नाम वो टेलीग्राम का है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। बीएससी में सभी सब्जेक्ट का वही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और वहीं से आपको चैनल के अबाउट में जाओगे, आपको व्हाट्सएप का भी व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो किसी भी टाइम, एनी टाइम। रात को 2 बजे हो या दिन का 1 बजे हो, कभी भी 24 घंटे अवेलेबल रहता है। तो हेडिंग लगाएंगे अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें, अनुनाद अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं अनुनाद के लिए। तो पहली बात तो भैया ये है अनुनाद के लिए कि परमाणुओं की पोजीशन सभी संरचनाओं में समान होनी चाहिए। प्रत्येक अनुनादी संरचना में परमाणुओं की पोजीशन, हिंदी में बोले तो स्थिति, समान होनी चाहिए, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगी। ये मत लिखना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर छोटू सी बंजीन एक बना के यहाँ पर हम दिखा रहे हैं तुमको, ये तो ये थी और इसकी दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल गए ना, पता है भाई साहब, इतनी भी मेमोरी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए भाई कि तुरंत भूल जाओ। और इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड था वो किस तरह से बना था, अरे सर वही तो आसान है, इसे छेड़ को अपना बना के उसके अंदर एक गोला बना, तो ये बन गई हमारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें देखो बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम, अरे भाई एक तो बात ही बताना भूल गए, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनको यही नहीं पता होगा कि ये जो बेंजीन है आखिर ये जो डंडे बना दिए हैं सर इसमें क्या है। तो आपको पता है ये है कार्बन, क्या है कार्बन, और हर कार्बन से जुड़े हुए क्या हैं हाइड्रोजन, कितने कितने, एक एक दो 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 हाइड्रोजन, देखो ई है पूरा खेत, दो दो हाइड्रोजन है। जब मैंने बॉन्ड डबल नहीं बनाया था तो दो दो हाइड्रोजन थे, डबल बॉन्ड बना दिया तो एक एक हाइड्रोजन रह गया, यहाँ क्या है हाइड्रोजन लगे हुए। ये एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मतलब परमाणुओं को दिखा के बनाए तो अच्छा बनेगा। तो हम बॉन्डों की पोजीशन बदल रहे हैं सब में, लेकिन ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है कि जो पोजीशन है वो सेम रहनी चाहिए, अगर ये गड़बड़ हुई तो अनुनादी संरचनाएं मानी नहीं जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरी शर्त है हमारी, ये सभी चीज़ें भैया आपको लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में, इसलिए अभी से याद कर लो, आसान चीज़ें हैं भाई, देखते देखते चलते 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 फिरते बातें करते खाना खाते हर तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, इतनी आसान चीज़ें। तो एक बार क्लास में ही 80-90% आपको याद होना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए। तो दूसरा है इसमें हमारा, किसी भी अनुनादी संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बीच में कहाँ कह गया,
नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसको पेयर ही पसंद है, युग्मित आयुग्मित नहीं होने चाहिए, ठीक है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम शर्त की बात करें तो जितने भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो सेम प्लेन में होनी चाहिए, मतलब एक ही तल में होनी चाहिए। सभी अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम प्लेन में, सेम प्लेन मतलब समान तल में, समान तल में होने होने चाहिए ताकि 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 उनकी ऊर्जा ताकि उनकी ऊर्जा ऊर्जा कहें तो इंग्लिश वाले बोलते हैं एनर्जी, तो उनकी ऊर्जा समान रहे, ठीक है, समान रहे। इसका भैया स्टार पॉइंट लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी शर्त है, इस शर्त के बगैर इसमें कुछ होने वाला है नहीं। तो ये शर्तें हैं कुछ, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर बात करें तो अभी एक शर्त इसकी बची हुई है तो भी हम लिख लेते हैं। फोर्थ शर्त ये है, किसी भी अनुनादी संरचना में, किसी भी नहीं लिखो जिस भी अनुनादी संरचना में, जिस भी अनुनादी संरचना में, जिस भी अनुनादी संरचना में बंध क्रम उच्च होगा उसका योगदान उस अणु को बनाने में, उस अणु मतलब मॉलिक्यूल को बनाने में सर्वाधिक होगा। इसका एक उदाहरण भी हम डाल लेते हैं, जैसे बोझ करिएगा एक पैक डाल लेते हैं वैसे ये उदाहरण इसमें भी डाल लेते हैं। तो इसके उदाहरण में हम लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं CO, ठीक है, कोबाल्ट नहीं है भाई, कोबाल्ट में सी के साथ ओ छोटू वाला बनता है, और जब कार्बन के साथ में उसके ही बराबर का ऑक्सीजन आगे खड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये मम्मी और बच्चे हैं साथ में, कार्बन मम्मी है और ऑक्सीजन छोटू सा बच्चा है, इसको बोलते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिफरेंस आना चाहिए, वरना आप में अगर कहूँ कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ऑक्साइड कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं कार्बन मोनोऑक्साइड की तो कुछ इस तरह से बनती है, एक में डबल बॉन्ड बनेगा, ये हमारा तीर वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने वाला, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड भी बनेगा, और एक यहाँ पर ऐसा भी होगा जो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे, सबका ऑक्टेट आपको बस कंप्लीट करते जाना है, क्या कंप्लीट करना है ऑक्टेट, यहाँ प्लस, और इस तरह से आपको देखो यहाँ देखो अच्छे से ठीक है, ये बन गई तीन स्ट्रक्चर। थोड़ा जूम करके देखना, जूम कहाँ होगा भाई। तो अगर हम बात करें इसके हाइब्रिड की, इसका हाइब्रिड कुछ इस तरह से होगा, हम कार्बन मोनोऑक्साइड का सीधा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिए, ठीक है, यह कार्बन
मोनोऑक्साइड। अब इसमें ये जो मॉलिक्यूल है ये वास्तविक संरचना, इसको हम बनाते हैं, कहीं भी बनाना होता है। तो अगर हम बात करें तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो इस लाइन को पढ़िए आप, चौथी वाली जो है, जिस भी अनुनादी संरचना में बंध क्रम उच्च होगा, ये अंडरलाइन करने वाला पार्ट है, बंध क्रम उच्च होगा, उसका योगदान उस अणु को बनाने में सर्वाधिक होगा। मतलब इन तीनों संरचनाओं में सबसे ज़्यादा उच्च बंध क्रम है लास्ट वाले का, इसमें तीन बॉन्ड है, बंध क्रम उच्च मतलब ज़्यादा बॉन्डिंग। तो इस अणु को बनाने में इन तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, इस वाले का। अगर हम थोड़ा परसेंटेज के तौर पे अपने अनुमानिक तौर पे लगा दें, कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है, तो मान सकते हैं कि 70% योगदान इसका है और लगभग 23% इसका है, तो बचा हुआ 7% तो रह गया। तो इस तरह से कुछ अनुमानिक तौर पे हम बता सकते हैं कि इसका ज़्यादा होगा इसको बनाने में ठीक योगदान। तो ये हमारी हो गई आवश्यक शर्तें अनुनाद के लिए, ये चीज़ें ज़रूरी है, होनी चाहिए, तभी अनुनाद संभव है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए या फिर स्क्रीन शॉट करिए, जैसा आपकी इच्छा। फिर तो उसके बाद में हम टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं, कौन सा, रिजोनेंस एनर्जी मतलब अनुनाद ऊर्जा। तो आई होप आप लोग इसका शॉर्ट कर दिए होंगे। अब हेडिंग लगाएंगे रिजोनेंस एनर्जी इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले लगाएंगे अनुनाद ऊर्जा। तो बहुत ही आसान है, समझ में सब आ जाएगा। अभी आपको ये तो पता ही होगा, अभी तक फिजिक्स पढ़े हो, ट्वेल्थ किए हो तो फिजिक्स तो जरूर पढ़े हो, तभी तो बीएससी कर रहे हो। फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, बायो पढ़े हो, तीनों में तीनों सब्जेक्ट का मेन कंसेप्ट एक जरूर है, और सब लोगों ने जरूर पढ़ा है कि कोई भी चीज़ स्टेबल रहना चाहती है, और स्टेबल रहने के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए। जिस भी चीज़ की एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आप एनर्जी लॉस करके ही स्टेबल हो सकते हो। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। एनर्जी जब कम करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट अभी अप्लाई होगा, हेडिंग लगाएंगे रिजोनेंस एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी हिंदी में अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद ऊर्जा ठीक है। तो अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, जैसे कि जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, वही एग्जांपल हम फिर से ले रहे हैं बेंजीन वाला, कुछ ज़्यादा ही समझ में आपको आता है। बाकी ऐसे ही आप किसी भी स्ट्रक्चर का बना सकते हैं, आगे पढ़ाते पढ़ाते भी 8 यूनिट पूरी पढ़ाना है, जगह जगह काम आएगा, अनुनाद कर सब बताते रहेंगे, सीख जाओगे आप अपने एग्जाम तक। ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और ये हो गया हमारा रिजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो होता है ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है, अत्यधिक स्थायी, यह सबसे अधिक, सबसे अधिक स्थायी। सबसे अधिक स्थायी कहने का मतलब दुनिया में सबसे अधिक नहीं, इन तीन स्ट्रक्चरों में बेंजीन के ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बताना ना पड़े बार बार, क्योंकि कई बार इसको अभी लिखवाए हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, रिजोनेंस हाइब्रिड है ठीक, अनुनाद संकर। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, ये स्टेबल ज़्यादा है तो इसकी ऊर्जा कम होगी कंपेयर टू दिस, इन दोनों के कंपेरिजन में इसकी ऊर्जा कम होगी और इनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि जो जिसकी ऊर्जा कम है वही ज़्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों के ऊर्जा का जो डिफरेंस है उसी को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। असल में अनुनाद ऊर्जा क्या है समझ,
क्योंकि जितनी ऊर्जा इनकी अगर उतनी ही इसकी होती तो ये भी क्या होता, एक जनरल स्ट्रक्चर होता, जैसे कि ये दोनों जनरल स्ट्रक्चर है लेकिन ये अनुनाद हाइब्रिड है। इस बात को समझो भाई, जैसे कि ये है, ये है, तो इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। अगर इतनी ही ऊर्जा इसकी भी होती तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। तो अनुनाद ऊर्जा क्या है, जो अनुनाद के थ्रू मिली हो, अनुनाद के दौरान क्या मिला है इसको भाई, क्या मिला है, अरे समझो यार, इसको क्या मिला है, अनुनाद की वजह से इसको पूरे में एक रिंग बनाने का मौका मिला है। अभी अनुनाद से मैंने प्रूफ किया था, अनुनादी स्ट्रक्चर बनाए थे, फिर बताया था ये रिंग आप बना सकते हो। ये रिंग जो है इसको क्यों मिली है, इसको किसके उपलक्ष में मिली, अनुनाद के उपलक्ष। तो अनुनाद के कारण इसको ये रिंग मिली है, जिसके कारण इसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई। तो जनरल स्ट्रक्चर की ऊर्जा जो है, जनरल स्ट्रक्चर की ऊर्जा एक रिजोनेटिंग हाइब्रिड की ऊर्जा, दोनों को जो माइनस करेंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है ऊर्जा का, उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस एनर्जी। तो इस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ, चलो हिंदी में लिखा, ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसी भी वास्तविक ठीक अणु की अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद ऊर्जा किसी भी वास्तविक अणु की सीधे लिखो ऊर्जा की ऊर्जा तथा अनुनाद संकर, अनुनाद संकर की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं, अनुनाद ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वास्तविक अणु की ऊर्जा तथा अनुनाद संकर की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी आर ई, मतलब अनुनाद ऊर्जा इज इक्वल टू प्रायोगिक ऊर्जा माइनस सैद्धांतिक ऊर्जा। ये एक फॉर्मूला भी इसका फिट हो जाता है, प्रायोगिक मतलब ये वाली और सैद्धांतिक मतलब ये वाली, ठीक। और यही पे एक लाइन ये भी लिख लीजिए कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, ठीक, अनुनाद संकर की ऊर्जा अन्य अनुनादी संरचनाओं से कम होती, अन्य अनुनादी संरचनाओं से कम होती है, इसीलिए इसका स्थायित्व सर्वाधिक होता है। ठीक, जो रेजोनेंस हाइब्रिड ये मोस्ट स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जितनी ये कम उतना ही ज्यादा। और इसी के बेस पे आप लिख सकते हो, बेंजीन में ऐसे अगर हम बनाते हैं तो देखो, ये यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसके बॉन्ड लेंथ भी दो कार्बन के बीच में अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये अनुनाद मतलब रेजोनेंस का ही कंक्लूजन निकल के आता है, बेंजीन के सभी सी बॉन्ड मतलब बंद, C
समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई व समान ऊर्जा, समान ऊर्जा के होते हैं। और अगर हम अनुनाद ऊर्जा की बात करें तो बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा 150.5 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये हो गया, देखो हमारा एक्शन अब ख़त्म हो गया है, अब आपका एक्शन चालू हुआ यहाँ से। इसको आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा फिर से देख सकते हो, जिससे कि देखो दोबारा क्या किया करो, दोबारा इंटू 1.5 स्पीड में देखा करो। ऑनलाइन पढ़ने से आपके यही सारे तो फ़ायदा है, अगर रिवाइज करना है आपको जैसे बुक से पढ़ रहे हो, या ऑफलाइन क्लास एक ही बार होती है दोबारा तो मिलने वाली नहीं, और ये जो है ऑनलाइन वाले में यही सब फायदे हैं, तो इस फायदों को उठाना चाहिए आपको। रिवाइज करना है तो इंटू 2 स्पीड में करो, जल्दी जल्दी बोलना है आपको, सब जल्दी से जल्दी, जो एक घंटे का लेक्चर है वो 20 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आप क्या किया करिए, इसको 2-3 बार पढ़िए, आप सुनिए इसको, केवल खाना खा रहे हो लगा दिए सुन रहे हो, खाली बैठ के खाओगे, मान लो नहीं खाने के साथ कोई काम कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको सुनते रहोगे तो आपको जल्दी तैयार हो जाएंगी चीज़ें। इसके सबके प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारी सुविधाएं आपके लिए, सब कुछ फ्री है, कहीं भी एक भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा, सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, सभी क्लासेस बराबर कंटिन्यू चलती रहेंगी आपके सेमेस्टर तक, बहुत सारे हजारों की संख्या में हम क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।